7 दिन के भीतर अगर प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एनएसयूआई की मांगों को नहीं मानता है तो संगठन पहले चक्काजाम करेगा, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का शिमला में ही घेराव किया जाएगा। ये बात हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष टॉनी ठाकुर ने कही। 7 दिनों के भीतर अगर प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एनएसयूआई की मांगों को नहीं माना तो संगठन पहले तो चक्का जाम करेगी, उसके बाद मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का शिमला में घेराव किया जाएगा। ये बात हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने प्रथम वर्ष का परिणाम एक तो देरी से घोषित किया है और वह भी महज 48% ही रहा है। इससे हजारों सैकड़ों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। छात्रों ने द्वितीय वर्ष में दाखिला ले लिया है और इसकी फीस भी जमा करवा दी है। अगर परिणाम पहले घोषित कर दिया होता तो छात्रों को यह आर्थिक नुकसान नहीं झेलना पड़ता। उन्होंने कहा कि निम्न स्तर का परिणाम घोषित करके विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों का 1 साल बर्बाद कर दिया है, जिससे कई छात्र तनाव की स्थिति में चल रहे हैं। एनएसयूआई ने मांग की है कि छात्रों को 5-5 ग्रेस मार्क्स दिए जाए ताकि छात्रों का साल बर्बाद होने से बचे और उन्हें आर्थिक नुकसान भी झेलना ना पड़े। उन्होंने मांग की है कि लोकतांत्रिक देश होने के चलते महाविद्यालयों में भी एससी चुनाव बहाल होने चाहिए। मांगे पूरी न होने पर संगठन ने 7 दिन का अल्टीमेटम देकर चक्का जाम और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का घेराव करने की भी चेतावनी दी है। कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था वो, हाल ही में जो पिछले बुधवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो रिजल्ट निकाला है वो बेहद खराब रिजल्ट निकाला है और छात्र वर्ग में इसका भारी रोष है। एनएसयूआई हमीरपुर ने आज इसके उपलक्ष्य पर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारी सरकार से यही मांग है कि इस रिजल्ट को अपडेट किया जाए और 7 दिन के अंदर जो है रिजल्ट को अपडेट किया जाए, बच्चों को 5% जो है वो ग्रेस मार्क दिया जाए। अगर सरकार 7 दिन के अंदर ये जो रिजल्ट है उसको अपडेट नहीं करती है तो हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का घेराव करेगी। इस मौके पर हमीरपुर कॉलेज इकाई प्रधान अभिरक्षित शर्मा, उप प्रधान विक्रांत ठाकुर, सचिव निखिल कुमार और सोशल मीडिया प्रभारी सौरभ ठाकुर भी मौजूद रहे।